हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम दोस्तों थिमरुसु नाम का एक तेलुगु फिल्म देखा मैंने नेटफ्लिक्स पर ये कन्नड़ा फिल्म बिरबल का रीमेक है बिरबल नाम का एक कन्नड़ा फिल्म आया था जिसका रिव्यू भी मैंने किया था मुझे याद है लास्ट ईयर आई थिंक अप्रैल या मे में शायद उसका रिव्यू किया था और फिल्म वो फिल्म मुझे काफी अच्छा लगा था दोस्तों इनफैक्ट अभी भी याद है मुझे वो फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया था आई मीन इट वॉज अक्स और अगर मैं तेलुगु रीमेक थीमर की बात करूं दोस्तों इट्स अ डिसेंट रीमेक अब ऑब्वियसली अगर आप ओरिजिनल के साथ कंपेयर करोगे तो मेरे ओपिनियन में आई थिंक ओरिजिनल में एक ऐसा एक खास बात है जो शायद मुझे रीमेक में नजर नहीं आया बट But... रीमेक में भी बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स हैं जो आपको काफी हद तक बांधे रखेगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऐसा नहीं कि आप बोर होंगे रीमेक देखकर अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे ओरिजिनल और रीमेक में नजर आया वो है रीमेक में जो लीड एक्टर है प्लेड बाय सत्यदेव इन तिमरुसू सत्यदेव का जो प्रेजेंटेशन हुआ है ना दोस्तों एज अ स्टाइलिश हीरो हुआ जो ओरिजिनल में उतना स्टाइल आपको दिखाई नहीं दिया इन द कैरेक्टर ऑफ एम जी श्रीनिवास ओरिजिनल फिल्म एंड प्लेड महेश दास इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन बिरबल तो एक स्टाइलिश प्रेजेंटेशन हुआ है सत्यदेव का इन तिमरुसु वो स्टाइल बहुत अच्छे से कैरी ऑफ किया सत्यदेव ने उनका एक्टिंग मेरे को बहुत बढ़िया लगा स्क्रीन प्रेजेंस था वो aura, वो करिश्मा डायलॉग डिलीवरी बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग थिंग रियली इम्प्रेस इनफैक्ट राइट एट द वेरी बिगनिंग उनका जो इंट्रोडक्टरी सीन हुआ है वो कोटरूम सीन एंड आई डोंट थिंक दैट कोटरूम सीन इज देयर इन द ओरिजिनल मतलब काफी टाइम हो गया ओरिजिनल देखिए उतना मुझे याद नहीं ओरिजिनल बट इफ माई मेमरी सर्व राइट इफ माई मेमरी सर्व करेक्ट एंड इफ माई मेमरी इज नॉट इन करेक्ट और रॉ आई कैन वेरी वेल से दैट ये जो कोटरूम सीन मैंने देखा तेलुगू रीमेक में तिमर उसमें वो ओरिजिनल में नहीं था शायद और वो कोटरूम सीन वॉज फन बट इट ऑल्सो रिमाइंडेड मी ऑफ अ सीन फ्रॉम इंग्लिश फिल्म शूटर वो मार्क वॉलबर्ग का जो फिल्म था उस, उसमें एक ऐसा सिमिलर सीन मैंने देखा था तो वैसा थोड़ा एक इंस्पिरेशन नजर आया मुझे बट नेवर दलैस इट्स नाइसली डन बट मैं कहना यह चाह रहा हूं कि रीमेक में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन एडिशंस मैंने देखा एज फार सीन्स को विच आर ओके बट मोर इंपॉर्टेंटली बॉड आई लाइक डिज द स्टाइलिश प्रेजेंटेशन ऑफ द हीरो विच वॉज वेरी नाइसली डन बाकी ट्राई टू स्टे ट्रू टू दरिजिनल वो एसेंस रिटेन करने की कोशिश किया विच इज अ जॉब वेल डन लड़की जो है इसमें वो उतना मुझे उनका एक्टिंग उतना खास नहीं लगा एंड प्लस वो जो रोमांस वगैरह जो भी था वो थोड़ा स्टेल लगा ब्रह्म जी <laughs> वॉज नाइस ब्रह्म जी और सत्यदेव का जो इंट्रैक्शन था जो एक जुगलबंदी था जो एक वाइब था वो मजे मजेदार था देखने के लिए बट अदरवाइज इट यू नो प्रोसीड नाइस डिसेंट पेस मेकिंग श्योर दैट यू स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टोरी एंड यू नो ट्राइंग टू क्रैक Who is the killer and why is this person being trapped? And the who done it, the way it operates. Yeah, it's decent overall. I'm going with uh, you know I will go actually with three stars because I really liked Satyadev in this. Uh, superb.